Hello friends, in the last lecture we have seen two types of feed water heater, open type and closed type. Now we will solve one question. So I am reading the question. A regenerating Rankine cycle having steam entering at 200 bar 650 degrees Celsius and leaving at 0.05 bar. Consider the feed water heater to be open type. Then determine the efficiency of plant when the feed water is operating at 8 bar. हमारे पास ये regeneration की problem है. हमको दो pressure दे रखे हैं 200 bar जो turbine के inlet का है. जो हमारा feed water heater है वो open type है. Means यहाँ पे हमारी mixing हो जाएगी. देखें जब भी ये problem आएंगे open type and closed type तो हमको ध्यान केवल एक ही रखना है. हमारा एक ही चीज change होगी. ओपन टाइप में हम मिक्सिंग करा देंगे, क्लोज वाली मिक्सिंग नहीं कराएंगे. तो जो भी हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम अकॉर्डिंगली निकालेंगे, चाहे ओपन टाइप हो या फिर क्लोज टाइप हो. हमको यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है. जो भी टरबाइन के एग्जिट का प्रेशर है 0.05 बार है. हमारा टरबाइन की एग्जिट यहाँ पे होती है एंड जो 8 बार है यहाँ पे हमको अपने एक्सपेंशन को रोकना है एंड इससे कुछ स्टीम में एक्सट्रैक्ट करनी है, बाकी को एक्सपेल होने देना है. सो जो भी वैल्यू हमको चाहिए वो सारी वैल्यू दी हुई है. तो पहला स्टेप हमारा यही है टीएस डायग्राम बनाना. तो हम टीएस डायग्राम बनाते हैं. तो हम एंथैल्पी देख के बता सकते हैं कि हमारा जो भी टर्बाइन के इनलेट पे है सुपर हीटेड स्टेट है. तो हम सुपर हीटेड स्टेट से स्टार्ट करेंगे. तो ये हमारा कुछ प्रेशर है, यहाँ से हम ये स्टार्ट किए. यहाँ पे हमारा सुपर हीटेड स्टीम पे गए एंड हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ. ये हमारा टोटल एक्सपेंशन हुआ. हमको करना क्या है, 8 बार पे हमको स्टीम एक्सट्रैक्ट करना है. तो हम मान लेते हैं हमारा 8 बार. अब हम या तो डोम में मान लें या डोम के अंदर मान लें, कहीं भी हम मान सकते हैं. तो हम यहाँ इसको कहीं भी मान सकते हैं. हमको ये पता नहीं जाए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन. एग्जैक्ट लोकेशन चेक करने की मैंने आपको मेथड पिछले लेक्चर में बताई थी. हम एंट्रोपी देख के चेक करते हैं या फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल के. तो हम कहीं भी मान लेते हैं. मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है एंड जो हमारा टर्बाइन की एग्जिट है यहाँ पे है. तो साइकिल अपना कंप्लीट कर देते हैं. पहले तो ये थोड़ा तिरछी हो गई, इसको आप ध्यान दें, सीधी लाइन है. यहाँ से हमारा रिजनरेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था. तो पहले तो हम इसको इसकी एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बना दें एंड ये हमारा लाइन कुछ यूं जाएगी. नेक्स्ट ये हमारा पॉइंट वन है, ये हमारा पॉइंट टू है, ये पॉइंट थ्री है, ये फोर है. अब टू के प्रेशर के इक्वल हमको फोर को पहुँचाना है. तो हम क्या करेंगे, पंप लगा देंगे. पंप से हमारा ये पहुंच गया फाइव में एंड टू एंड फाइव की मिक्सिंग कराएंगे. तो टू एंड फाइव की मिक्सिंग होगी तो हमारा जो मिक्सर है वो सिक्स पे पहुंच जाएगा. देन फिर से हम इस पर एक पंप लगाएंगे और इसके प्रेशर को हम बॉयलर प्रेशर के इक्वल बनाएंगे. तो ये हमने पंप लगाया, ये बॉयलर प्रेशर के इक्वल बन गया. तो ये हमारा पॉइंट सेवन आ गया. ये हमारा टीएच डायग्राम है जो भी हमको प्रॉब्लम दी हुई है. वन हमारा इनलेट पे है टर्बाइन के, सेकंड पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ रिजनरेशन स्टार्ट होता है. थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, नेक्स्ट फोर्थ फाइव सिक्स. अब यहाँ पे हम क्या करें, एज्यूम कर लेते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वाई पार्ट करते हैं एंड वन माइनस वाई पार्ट हमारा एक्सपेंड होता है फिर कंडेंसर होते हुए जाता है. हम साइकिल डायरेक्शन भी बना देते हैं. अब देखें हमको जो भी हमारे पॉइंट्स डोम में आ रहे हैं उनकी वैल्यू हमको पता है, उनकी एंथैल्पी पता है. उसके अलावा हमको H1 की वैल्यू पता है. देखें H1 की वैल्यू हमको दे रखी है. ये जो हमारा H1 पॉइंट है ये 200 बार एंड 650 डिग्री सेल्सियस पे है. इस पे हमको एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है. आप यहाँ आप टेबल पे देख सकते हैं, इसकी वैल्यू है कुछ
3675.3 किलो जूल पर केजी, ये हमको एच वन की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट हमको एच फोर की वैल्यू भी पता है। एच फोर की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारा प्रेशर है 0.05 bar, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एच एफ की वैल्यू होगी वही हमारा एच फोर होगा, क्योंकि देखिए पॉइंट डोम में आता है। तो यहाँ पे हम एच फोर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी आप टेबल में देख सकते हैं, 137.89 किलो जूल पर केजी ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमको और कोई वैल्यू अभी यहाँ पे नहीं दी हुई है, अब हम क्या करेंगे 2 and 3 की पॉइंट जो भी एग्जैक्ट लोकेशन होगी देखेंगे, ये डोम में आ रहे हैं कि डोम के अंदर आ रहे हैं, डोम के बाहर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस लगाएंगे, एंट्रोपी की। हम क्या करेंगे, एस वन की एंट्रोपी हमको वन की एंट्रोपी पता है, हम वन की एंट्रोपी को टू की एंट्रोपी के इक्वल कर देंगे तो हमको टू की लोकेशन आ जाएगी। इसी तरह हम वन की एंट्रोपी को थ्री की एंट्रोपी के इक्वल कर देंगे तो हमको थ्री की एंट्रोपी आ जाएगी। तो हम पहले क्या लगाएं, एस वन इक्वल टू एस टू। एस वन की वैल्यू हमको पता है, ये आप टेबल में देख सकते हैं 6.6582 इक्वल टू एस टू, मीन्स इस पॉइंट पे। यहाँ पे ध्यान दें प्रेशर कितना है हमारा 8 bar है। सो 8 bar की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एस एफ एंड एस जी की वैल्यू होगी वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एस एफ की वैल्यू देखें हम 8 bar की कॉरेस्पॉन्डिंग, आप टेबल पे देखते रहें, ये हमारी 2.0462 प्लस एक्स टू एस जी की वैल्यू है। यहाँ पे देखें हमको एस एफ जी की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे एस जी की वैल्यू नहीं दिया, एस एफ जी। एस एफ जी क्या होता है हमारा, एस जी माइनस एस एफ होता है। तो इसको हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, एस जी एफ लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है ये 4.1, ये 4.6166। यहाँ से हम x2 निकालेंगे तो x2 की वैल्यू आती है करीब 0.99। अब देखें x2 की वैल्यू 0.99 है, इसको हम 1 के करस्पॉन्डिंग एज्यूम कर लेते हैं, मीन्स हम इसको x इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, हम डायरेक्ट जो 8 बार पे एच जी की वैल्यू होगी हम डायरेक्ट इसको एच टू लिख सकते हैं। तो हमारा एच टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको 2769.11 किलो जूल पर केजी। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.9 आ रही थी, हमने इसको 1 के बराबर एज्यूम कर लिया। तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट निकाल लिया, अब हम सेम निकालेंगे 3 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, एस वन इक्वल टू एस थ्री, एस वन की वैल्यू हमारी सेम है 6.6582, एस थ्री की वैल्यू में क्या करेंगे, एस एफ प्लस एक्स थ्री एस जी माइनस एस एफ। यहाँ पर जो हमारा 0.3 है ये 0.05 bar पे है, तो 0.05 bar की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एस एफ एन एस जी की वैल्यू होगी हम वही यहाँ पे पुट डाउन करेंगे। तो एस एफ की वैल्यू है हमारी 0.4764, एक्स थ्री हमको निकालना है, और एस जी माइनस एस एफ की जगह पे हमको क्या दे रखा है, एस जी एफ, इसकी वैल्यू है हमारे पास 7.9187। इसको सॉल्व करके हम एक्स थ्री की वैल्यू निकालेंगे जो कि कितनी आती है 0.78। अब हमको एक्स थ्री पता चल गया, हम नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, एच थ्री। तो हमारा एच थ्री कितना हो जाएगा, 0.05 की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एच एफ एन एच जी की वैल्यू होगी हम वही यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या होगा, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। एच एफ की वैल्यू हमको दी है 0.05 bar में 137.89 प्लस एक्स की वैल्यू है 0.78, एच एफ जी की वैल्यू है हमारे पास 2423.7। यहाँ से हम एस थ्री की वैल्यू निकालने कितनी आती है 2028.37, ये हमारी एस थ्री की वैल्यू आती है। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं
2028.37 किलो जूल पर केजी। हमारे पास ये पॉइंट पता चल गया, ये चल गया, ये चल गया। नेक्स्ट हमको फोर्थ पॉइंट भी पता है, चार पॉइंट पता है हमको, फिफ्थ पॉइंट कैसे पता चलेगा, वीडीपी लगा के हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है V5, ये क्या होगा, सॉरी ये H5 क्या होगा, H4 प्लस VDP, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो H4 की वैल्यू को पता है 137.89, VDP का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, V तो कॉमन आ जाएगा VF, ये हमारा आएगा P5 माइनस P4। तो ये कितना होगा 137.89 प्लस VF की वैल्यू, जो भी हमारा 0.4 है मींस 0.05 के करस्पॉन्डिंग जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया होगा सैचुरेटेड लिक्विड का, हम उसको यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 0.001005 इंटू, अब P5 की वैल्यू कितनी हमारी 8 बार, तो 8 बार को हम इसमें किलो पास्कल में लिख लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 800। नेक्स्ट हमारा 0.05 बार, तो उसको हम किलो पास्कल में लिखें तो कितना आएगा 5। अब देखिए हमने इसको किलो पास्कल में रखा है इसलिए हमारा किलो जूल में आएगा, ये हमारा पहले से किलो जूल में है। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 138.69 किलो जूल पर केजी। हम ये वैल्यू उठा के रख लेते हैं H5 की वैल्यू 138.69 किलो जूल पर केजी। सो हमारे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 की एंथैल्पी हमको पता है। नेक्स्ट हमको एक पॉइंट की और पता है, जो हमारा 0.6 है वो हमको 0.6 की भी एंथैल्पी पता है। ये देखिए ये जो हमारी प्रेशर लाइन है 8 बार की है, तो 8 बार में जो HF की वैल्यू होगी वही हमारी S6 की वैल्यू होगी, तो यहाँ से हम S6 भी लिख लेते हैं। S6 हमारा कितना है 721.11 किलो जूल पर केजी। आप वैल्यू मैच करा लें टेबल से। नेक्स्ट हमको निकालना है Y, ये Y की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ये निकालनी क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमको एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी के लिए हमारा WT की वैल्यू चाहिए होगी, तो WT एंड WP में हमारी Y की जरूरत पड़ेगी। तो Y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फीड वाटर हीटर बनाएंगे। ये हमारा ओपन फीड वाटर है, जो भी हमने कल फिगर एक्स्ट्रा बनाया था, ये हमारा 0.5 है, ये 0.2 एंड ये 0.6। यहाँ पे हमारी एंथैल्पी कितनी होगी H5, यहाँ H2, यहाँ पे S6। एक चीज़ और हमने देखी थी, यहाँ से हमारा 1 माइनस Y पार्ट जाएगा और यहाँ से हमारा Y पार्ट, यहाँ से टोटल हमारा 1 हो जाना है। सो एंथैल्पी बैलेंस यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, H6 इक्वल टू H5 इंटू 1 माइनस Y प्लस H2 इंटू Y। सारी वैल्यू हमको यहाँ पे पता है केवल Y को छोड़कर, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। S6 की वैल्यू हमारी 721.11, H5 की वैल्यू है 138.69, 1 माइनस Y प्लस H2, H2 की वैल्यू है हमारी 2769.11 इंटू Y। अब ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको Y की वैल्यू मिल जाएगी। Y की वैल्यू कुछ आती है हमारी 0.221 के अराउंड आती है, आप चेक कर लें, इतनी हमारी Y की वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमको एफिशिएंसी निकालना है, तो उसके लिए हमको टरबाइन वर्क, पंप वर्क और हीट सप्लाई निकालना पड़ेगा। देखें आपको जब एफिशिएंसी निकालना है, तो अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में आप WT अलग से निकालें, WP अलग से निकालें एंड QS अलग से निकालें। लेकिन अगर आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एफिशिएंसी के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं, तो WT पहले निकाल लेते हैं। WT क्या होगा हमारा, H1 माइनस H2, यहाँ तक तुम्हारा पूरा एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट हमारा Y पार्ट हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हमारा H2 माइनस H3 जो एंथैल्पी ड्रॉप होगा, Y1 माइनस
वाई पार्ट का ही होगा। तो नेक्स्ट हमारा यही केवल यही एक्सपेंशन होगा। सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो डब्ल्यू टी कितना हो जाएगा, एच वन की वैल्यू पता है हमको 3675.3, माइनस एच टू की वैल्यू भी पता है 2769.11, प्लस एच टू 2769.11, माइनस एच थ्री 2028.37। नेक्स्ट जो हमारा 1 माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.221। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू टी की कितनी आती है 1483.21। ये वैल्यूज आप चेक कर लें क्योंकि मैंने डायरेक्ट नोट से उठा के रखा तो हो सकता है ये वैल्यू गलत भी हो। नेक्स्ट हमको डब्ल्यू पी निकालना है तो डब्ल्यू पी क्या होगा हमारा, एच फाइव माइनस एच फोर, यहाँ पर देखें हमारा जो टोटल फ्लो कितना रहेगा 1 माइनस वाई का रहेगा, तो 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस एक पंप हमने और लगाया है एच सेवन माइनस एच सिक्स। तो सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो एच फाइव कितना है हमारा 138.69, एच फोर 137.89 इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस 0.221 प्लस एस सेवन, एस सेवन की वैल्यू है हमारी, एस सेवन की वैल्यू हमने अभी तक नहीं निकाली है तो एस सेवन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये एस सेवन माइनस एस सिक्स हो जाएगा, एस सिक्स की वैल्यू हमको पता है। सो इसके पहले हम एस सेवन की वैल्यू कहीं पे निकाल लेते हैं तो देखें एस सेवन क्या होगा हमारा, एच सिक्स प्लस यहाँ पे हम पंप वर्क इसका ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा वी डी पी। देखिए अगर हमको पंप वर्क डायरेक्ट यहाँ पर लिखना था तो हम डायरेक्ट इसको एस सेवन माइनस सिक्स को डायरेक्ट हम पंप वर्क लिख सकते थे वी डी पी, लेकिन हम यहाँ पे एस सेवन की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम हीट सप्लाई निकालेंगे तो हम एच वन माइनस एस सेवन करेंगे तो हमको उस एस सेवन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ये एस सिक्स की वैल्यू हमको पता कितनी है 721.11। वी डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, वी इंटू पी सेवन माइनस पी सिक्स, तो वी की वैल्यू भी हमको पता है कितनी दे रखी है 0.00115 इंटू पी टू माइनस पी सेवन माइनस पी सिक्स, तो पी सेवन हमारा कितना है 200 बार, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 5 बार, तो ये 5 कर देंगे, सॉरी 200 माइनस 8 बार तो ये 8 हो जाएगा, ये बार में था तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा S7 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 743.19 के अराउंड आ रही है हमारी S7 की वैल्यू। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट पंप वर्क भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। अब 743.19 एस एस की वैल्यू हमको पता है 721.11, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.08 किलो जूल पर केजी के अकॉर्डिंग आ रही होगी। तो हमने डब्ल्यू पी भी निकाल लिया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, क्यू एस। क्यू एस क्या होगा हमारा, एच वन माइनस एच सेवन, एच वन की वैल्यू पता है हमको 3675.3, एस सेवन की वैल्यू पता है हमको 743.19, तो हमारा क्यू एस कितना आ जाएगा 2932.39 किलो जूल पर केजी आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना था, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी अपॉन क्यू एस। डब्ल्यू टी हमारा कितना है 1483.21, डब्ल्यू पी कितना है 22.08, क्यू एस कितना है 2932.39। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 50% के अराउंड आसपास आ रही होगी। सो ये हमारी डिजनरेशन की एक प्रॉब्लम हो गई, इसमें हमने ओपन फीड वाटर हीटर यूज किया है। तो ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी, इसके साथ ही हमारा रैंकाइन साइकिल भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर।